फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आर चैनल स्टडी सर्कल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिल्पा आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। पर इससे पहले ही मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूँ, मैं आपको अपने चैनल के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। तो मेरा जो चैनल है स्टडी सर्कल, उस पर आपको कंटेंट मिल जाएगा रिलेटेड टू स्टडी मटेरियल, लाइक इंग्लिश हिंदी पंजाबी के ऐसे, पैराग्राफ, लेटर्स, शॉर्ट ऐसे, लॉन्ग ऐसे और ग्रामर रिलेटेड मटेरियल भी आपको हमारे चैनल पे ज़रूर मिल जाएगा। तो अगर आपको डेली इस तरह का कंटेंट चाहिए तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे रेड कलर का बटन है, उसे या से प्रेस कर लेना और साथ में ही बेल है उसे भी या से हिट कर लेना, ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम ऐसे लिखना सीखेंगे ऑन रोड सेफ्टी इन इंग्लिश। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यस, देखेंगे ऐसे ऑन रोड सेफ्टी। आज हम रोड सेफ्टी के ऊपर अपना ऐसे लिखना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लाइन है हमारी, वी ऑल ड्राइव एंड वॉक ऑन द रोड टू गो टू डिफरेंट प्लेसेस, कि हम रोड के ऊपर अपने व्हीकल्स में ड्राइव करते हैं या फिर हम पैदल चलते हैं साइड में, रोड की साइड में, अपनी अलग अलग डेस्टिनेशंस पे जाने के लिए। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि कुछ लोग कार्स में जा रहे हैं, कुछ वैन में, कुछ साइकिल पे, कुछ वॉक में, कि पैदल ही सड़क को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन सभी ने क्या करना है, सभी ने अपनी डेस्टिनेशन प्लेस पे पहुंचना है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, रोड एक्सीडेंट्स एंड द डेथ आर हैपनिंग एवरी डे। हम जब सड़क पे ड्राइव करते हैं, जब चलते हैं, तो हम देखते हैं कि सड़क पे क्या होता है, डेली बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं और उन रोड एक्सीडेंट्स में क्या होता है, कई बार काफ़ी सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। चलिए तो अपना थर्ड पॉइंट देखते हैं, वी मस्ट फॉलो द रोड सेफ्टी रूल्स। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने जो रोड सेफ्टी रूल्स है, जो गवर्नमेंट ने रोड सेफ्टी रूल्स बनाए हैं, उन्हें फॉलो करना चाहिए। फोर्थ देखेंगे, इट विल हेल्प टू रिड्यूस रोड एक्सीडेंट्स एंड डेथ। अगर हम रोड सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि जो सड़क पे, रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं, डेथ्स होती हैं एक्सीडेंट्स की वजह से, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। उसके बाद फिफ्थ देखेंगे, वी शुड नेवर राइड एट हाई स्पीड। हमें अपने व्हीकल्स, कार, बाइक, वैन, बस जो भी है, वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में नहीं चलाने चाहिए, क्योंकि सड़क पे हम अकेले ही नहीं, हमारे साथ और भी बहुत सारे जने ड्राइव कर रहे होते हैं। तो अपने साथ साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ साथ, हमें दूसरों की ज़िंदगी का भी ध्यान रखना चाहिए। सिक्स सेंटेंस देखेंगे, वी मस्ट वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। हमें, अगर हम वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं सड़क पे, तो हमें सड़क की लेफ्ट साइड की तरफ चलना चाहिए हमेशा। सेवन्थ पॉइंट, रेड लाइट मीन्स वी हैव टू स्टॉप। जब हम सड़क पे चल रहे होते हैं तो हम देखते हैं रास्ते में क्या आती है, काफ़ी सारी, कई बार ट्रैफिक लाइट्स आती है, तो हमें उन ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करना चाहिए। जब रेड लाइट हो जाए तो मतलब क्या है कि हमें उस ट्रैफिक लाइट पे रुक जाना है, वेट करना है। येलो लाइट मीन्स वी हैव टू वेट। एंड नाइन्थ पॉइंट है, द ग्रीन लाइट गिव्स द सिग्नल टू रेड। अब हम जा सकते हैं, अब हम ट्रैफिक लाइट को क्रॉस कर सकते हैं। टेंथ पॉइंट देखेंगे, वी मस्ट ओनली क्रॉस द रोड व्हेन इट इज़ क्लियर। हमें सड़क तभी ही क्रॉस करनी चाहिए जब सड़क में कोई भी बस, कार, स्कूटर नहीं आ रहा। दोनों साइड देख के, दोनों तरफ देख के बहुत ही ध्यान से सड़क को क्रॉस करना चाहिए। उसके बाद हमारा इलेवंथ पॉइंट है, वी शुड नेवर रन वाइल क्रॉसिंग द रोड। जब हम सड़क को क्रॉस कर रहे हैं तो हमें सड़क के बीच में भागना नहीं है, इससे क्या होता है, कई बार सड़क में एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सड़क पे आप भाग रहे हैं, बाय चांस आप सड़क पे गिर गए और उधर से कोई बस या कार आ गई, तो इससे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। यस, ट्वेल्थ पॉइंट देखेंगे, इट इज़ नेसेसरी टू वियर अ हेलमेट व्हेन राइडिंग अ टू व्हीलर व्हीकल। जब हम कोई भी टू व्हीलर व्हीकल चला रहे हैं, जैसे कि स्कूटर, एक्टिवा, तो हमें हेलमेट ज़रूर वेयर करना चाहिए। इससे क्या होता है, ये हेलमेट क्या है, हमारी सेफ्टी के लिए, बाय चांस हम गिर गए तो हमारे सर में है जो, वो चोट नहीं लगती। 13th पॉइंट देखेंगे, वी शुड नॉट फॉरगेट टू पुट अ सीट बेल्ट इन फोर व्हीलर व्हीकल। जब हम कार ड्राइव कर रहे हैं या फिर हम वैन चला रहे हैं या फिर हम बस चला रहे हैं, तो हमें सीट बेल्ट डालनी बहुत ज़रूरी है। सीट बेल्ट हमारी सेफ्टी के लिए बनी हुई है। 14th पॉइंट देखेंगे, वी शुड नेवर पुट आर हेड और हैंड्स आउटसाइड द मूविंग व्हीकल विंडो।
कि हमें कभी भी चलती हुई व्हीकल से, जैसे कि हम बस में बैठे हैं, कार में बैठे, तो हमें अपने हाथ या फिर अपना सर बाहर नहीं निकालना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक्सीडेंट होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। कि बाय चांस कई बार आपने सपोज़ कि अगर आपने अपना सर बाहर निकाला और दूसरी साइड से कार आ रही है वो कहीं टच कर जाए, तो इससे क्या होगा, आपको नुकसान पहुँच सकता है। तो उसके बाद नेक्स्ट 15th पॉइंट देखेंगे, इट इज़ नॉट गुड टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स वाइल ड्राइविंग। कि जब हम कार चला रहे हैं, कुछ अपनी एक्टिवा चला रहे हैं, कुछ भी ड्राइव कर रहे हैं, अगर हम खुद ड्राइव कर रहे हैं, तो उस टाइम पे फ़ोन का यूज़ करना हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है। कि फ़ोन चलाते टाइम कई बार हमारा ध्यान फ़ोन में और उधर से कुछ आ जाए सामने से, जब पीछे से कुछ आ जाए तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज़, दिस अवेयरनेस ऑफ पीपल कैन सेव द लाइफ ऑफ मैनी पीपल। अगर हम सभी इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, इन सब रूल्स जो रोड सेफ्टी के रूल्स हैं इन सबको मानेंगे, तो इससे क्या होगा, एक्सीडेंट के चांसेस और रोड पे डेथ होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, और इससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बच सकती है। स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा ऐसे रोड सेफ्टी के ऊपर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ऐसे अच्छे से समझ आया होगा, और इसकी लैंग्वेज भी मैंने इजी ही रखी है, तो आई होप आपको लर्न करने में भी या आपको लर्न करवाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको मेरा ये ऐसे इजी लगा, अच्छा लगा, अगर आपको समझ आ गया, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और साथ में ही एक बार दोबारा से रिपीट करूँगी, और मेरी आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और आप बार बार आके वीडियोस देखते हैं बट आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस कर लेना, और साथ में ही बेल उसे भी ऐसे हिट कर लेना, ताकि आपको बार बार आके मेरी वीडियोज़ ढूंढनी ना पड़े, नोटिफिकेशन खुद ब खुद आपके पास आ जाए। तो मैं इसी उम्मीद के साथ ये नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जितना आप सब्सक्राइब और शेयर करेंगे उतना ही हमारी जो YouTube फैमिली है ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी ग्रो करे। और आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए, और अपना भी ध्यान रखिए और अपने घर वालों का भी ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।